जय श्री राधे राधे। आप सबका हमारे चैनल लड्डू सेना पर स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल लड्डू सेना को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। कार्तिक मास में कथा सुनने और तुलसी पूजा का बहुत महत्व बताया गया है। आज हम कार्तिक मास की कथा के बारे में सुनने जा रहे हैं। कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 13। कार्तिक कथा को सुनो सभी सहज मन लाए। 13वां अध्याय लिखूं शिरु प्रभु शरण में आए। दोनों ओर से गदाओं बाणों शूलों आदि का भीषण प्रहार हुआ। दैत्यों ने तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब देवताओं को इस प्रकार भयभीत हुआ देख गरुड़ पर चढ़े भगवान विष्णु युद्ध में आगे बढ़े और उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर का टंकार किया। त्रिलोकी शापित हो गई। पल मात्र में भगवान ने हजारों दैत्यों के सर को काट गिराया। फिर तो विष्णु और जलंधर का महासंग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने बाणों के वैग्य से उस दैत्य की ध्वजा शत्र धनुष बाण काट डाले। इससे विवित हो उठे उसने अपनी गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने विष्णु जी की छाती से भी एक तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में विष्णु जी ने उसकी गदा काट दी और अपने शारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बींधना आरंभ किया। इस पर जलंधर इन पर अपने पैने बाण बरसाने लगा। उसने विष्णु जी को शीघ्र ही जलंधर को खींचकर मारी परंतु उसने विष्णु जी को कई पैन बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींचकर मारी परंतु उस अग्रिवत अमोद गदा की मार से भी वह दैत्य कुछ भी चलायमान ना हुआ। उसने इस अग्रिमुख त्रिशूल उठाकर विष्णु पर छोड़ दिए। भगवान विष्णु जी ने शिव के चरणों का स्मरण कर नंदन नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। गंधर्व ने झपट कर विष्णु जी की छाती पर एक जोरदार मुष्टिक मारा। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर अपनी एक मुष्टि का प्रहार किया। इस फिर दोनों घुटने टेक कर बाहुओं और मुष्टिकों से बाहु युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्यराज से मेघवाणी में बोले हे रण दुमुद्र दैत्य श्रेष्ठ तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इन बड़े बड़े अयोध्यों से भी भयभीत ना हुआ। तेरे इस युद्ध में प्रसन्न हूँ तू चाहे जो वर मांग। मायावी विष्णु ने ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा हे भावुक यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन तथा मेरे सारे कुटुंबों सहित मेरे घर पे निवास करें। नारद जी बोले उसके ऐसे वचन सुनकर विष्णु जी को खेद तो हुआ किंतु उसी क्षण देवेश में तथास्तु कह दिया। अब विष्णु ने सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित विष्णु को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं ने के पास जो भी रुद्रादि थे सबको ले जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव दानव यक्ष गंधर्व सिद्ध सर्प राक्षस मनुष्य आदि सबको उसका विश्रवर्ती बना त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मासुर सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्मराज से सभी सुखी थे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। राधे राधे।